झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत पर रोप वे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोप वे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज़्यादा घायल हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे से ऑपरेशन चल रहा है। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोप वे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 लोगों को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा होने की वजह से यह सबसे मुश्किल रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में चोट लग गई। एनडीआरएफ से भी मदद ली गई है, एयरफोर्स से भी मदद ली गई है और जो इसके एक्सपर्ट्स हैं गरुड़ा कमांडोज उनका भी सहायता लिया जा रहा है और जो उस रोपवे को जिन लोगों ने बनाया है उनकी टीम भी पहुंच गई है और कुल मिलाकर के सभी तरीके से प्रयास हो रहा है। और चूँकि रात थी, रात के समय बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाई, लेकिन सभी तैयारी के साथ लोग अर्ली मॉर्निंग से वहां पहुंच चुके हैं और चीज़ों पर हम लोगों की नज़र। अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।